दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे, मानव जाति के इतिहास में कई महान कलाकार रहे हैं। लियोनार्डो डा विंची, राफेल सैंजियो या यहाँ तक कि माइकल एंजेलो। अरे लेकिन रुकिए जरा, उनमें से सबसे महान और सबसे विशाल के बारे में क्या? माँ प्रकृति, लालित्या, सुंदरता और पूर्णता से भरे हाथों से पर्वत एवरेस्ट के रूप में ऊंचे पहाड़ आए, सुंदर वनों, हिमनदों, समुद्र तटों, बारिश, झीलों और झरने के अलावा सहारा के रूप में व्यापक रेगिस्तान, जो कि केवल प्रेरणादायक है। धरती पर हजारों फीट नीचे गिरने के लाखों गैलन पानी की तुलना में कुछ चीजें ज्यादा प्रेरणादायक है। आपने दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और सबसे लंबे झरने के बारे में सुना होगा, लेकिन कई अपेक्षाकृत अज्ञात झरने हैं जिन्हें केवल अजीब और अवास्तविक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है ट्रेवल एंड एफेक्ट्स। तो दोस्तों देर किस बात की, आप हमारी बातों से समझ गए होंगे। तो आइए पूरे ग्रह में सबसे अनोखे और दिमाग को हिला देने वाले झरनों से आपको रूबरू कराएं। पहले स्थान पर है बतारा जॉर्ज वाटरफॉल, लेबनान। माउंट लेबनान के रास्ते में स्थित पोथोल बटारा के नीचे कास्केड को साल 1952 में खोजा गया। इसके पानी की बूंद 255 मीटर जुरासिक चूना पत्थर की गुफा में गिरती है। लेबनान माउंटेन ट्रेल पर स्थित बटारा पोथोल में पानी 255 मीटर से अधिक नीचे गिरता है और जुरासिक चूना पत्थर से बना होता है। वसंत ऋतु में गलने वाली बर्फ के दौरान 90 से 100 मीटर का झरना तीन पुलों के पीछे गिर जाता है और फिर पाताल में गिर जाता है। दूसरा, ग्लोइंग हॉर्स टेल वॉटरफॉल, योसेमिट। दोस्तों यदि आप सही समय पर सही जगह पर हैं तो प्रकृति निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित करेगी। सैकड़ों फोटोग्राफरों ने योसेमिट नेशनल पार्क पर घुसपैठ किया है, जो घोड़े पूंछ यानी कि घोड़े की पूंछ जैसा दिखता है। उसमें फायरफॉल यानी कि अग्नि झरना के रूप में जाना जाता है, जो कि एक घटना है जो प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में 10 दिनों के लिए होती है। यहाँ आने वाले आगंतुक ज्वालामुखी विस्फोट के लिए आग लगने के अनुभव की तुलना करते हैं। ये प्रभाव केवल कुछ मिनट तक चलता है, बस जब सूरज सेट हो जाता है और पानी पर नारंगी प्रकाश डालता है। प्रकाश की तीव्रता इतनी मजबूत होती है कि ये रसातल में बहने वाले लावा को अनुकरण करती है, लेकिन ये केवल एक ऑप्टिकल भ्रम है। तीसरा, अंडर वाटर वॉटरफॉल इन मॉरिशियस। दोस्तों मॉरिशियस के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित एक असाधारण भ्रम पानी के नीचे एक झरना है। ऊपर से देखा जाने पर आप पानी के नीचे झरने की छाप पैदा करते हुए रेत के दूसरे दौरे को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। रेत और गाद जमा होने के चलने के कारण पानी में निर्मित भ्रामक दृश्य इम्प्रेशन विशेष रूप से हवाई शॉट्स और यहाँ तक कि उपग्रह चित्रों में प्रभावी और प्रभावशाली है। एक और कोण से देखा गया, समुद्र स्पष्ट रूप से केवल नीला, हरा और सफेद की एक शानदार श्रृंखला है, जो तीन आयामिता की भावना को उत्तेजित करता है, जो झरना फिसलने के रूप में गिर जाता है। यद्यपि ये स्पष्ट हो गया है कि ये एक भ्रामक भ्रम है, फिर भी पानी के नीचे पानी के विचार के बारे में कुछ जादुई तो है। चौथा, ब्लड वॉटरफॉल अंटार्कटिका। दोस्तों अंटार्कटिका में मैकमुर्डो ड्राइव वैलीज में स्थित टेलर ग्लेशियर के सामने के चेहरे पर बर्फ का झरना है, जो रक्त के रंग के समान गहरे लाल रंग के होते हैं। ये क्षेत्र दुनिया में सबसे अजीब है और कुछ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि झील में जो जलप्रपात का कारण बनता है, वहाँ अस्थिर परिस्थितियों में जीवन के लिए बाह्य जीव हो सकते हैं। अंटार्कटिका में मौजूद सबसे आकर्षक प्राकृतिक चमत्कारों में से एक ब्लड फॉल्स है। लगभग हर किसी के लिए अज्ञात ये नमक के पानी का स्रोत है, जिसमें गहरा लाल रंग होता है, जो कभी कभी टेलर ग्लेशियर से निकलता है। आखिरी और पांचवा, हॉरिजॉन्टल फॉल्स किम्बरले, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली में स्थित ये केवल दो क्षैतिज झरनों में से एक है। वे दोनों पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली बेल्ट में स्थित टेलबोट बे बुकानेर द्वीप समूह में स्थित है। इसके अलावा इन क्षैतिज फॉल्स मैकलार्टी रेंज में स्थित खूबसूरत गोरग्स के साथ पूरक है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं हुआ समाप्त। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखें, बाय बाय।